दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में गणेश गोदियाल और बॉबी पंवार जिस प्रकार से लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं, लगातार जनता का विश्वास इन पे बनता चला जा रहा है और जिस प्रकार से ये जनता के मुद्दों को लगातार उठाते हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और उत्तराखंड के ज़मीनी मुद्दों को बॉबी पंवार और गणेश गोदियाल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सामने लाते रहते हैं। गणेश गोदियाल कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को सामने रखते हैं, सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं और उनका ये अंदाज जनता को बहुत पसंद आता है। हालांकि गढ़वाल लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी थे, कांग्रेस के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन जनता का उनके प्रति जो एक रुझान है, जनता जिस प्रकार से उन्हें चाहती है, उनके समर्थक जिस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती रहेंगे। हालांकि वो आज भी हैं, लेकिन आगे उनका कद और बढ़ेगा, उनके प्रशंसक और बढ़ेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि गणेश गोदियाल जैसा नेता उनके पास है। वहीं बात करें बॉबी पंवार की, बॉबी पंवार ने राजनीति में प्रथम बार पदार्पण किया और टिहरी लोकसभा सीट से वो निर्दलीय प्रत्याशी रहे, सांसद का चुनाव लड़े और इतने बड़े चुनाव में जिस प्रकार से बॉबी पंवार का प्रदर्शन रहा, 168,000 के लगभग वो वोट लाए और एक निर्दलीय प्रत्याशी पे इतने मत पड़ना ये कोई साधारण बात नहीं है, वो भी पहले ही चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज़ार वोट से नीचे नीचे सिमट जाते हैं। लेकिन बॉबी पंवार का जो प्रदर्शन था यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त था और उत्तराखंड के बेरोजगारों के द्वारा, युवाओं के द्वारा बॉबी पंवार को जो समर्थन मिला है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। लगातार बॉबी पंवार और गणेश गोदियाल के पक्ष में जिस प्रकार से कमेंट आते हैं, उनके समर्थक जिस प्रकार से उनको आगे रखने की बात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री ये होने चाहिए, 2027 में जब चुनाव होंगे तो यदि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उत्तराखंड का भविष्य इनके रूप में नज़र आता है और इन्हें वो एक सक्षम प्रत्याशी, एक सक्षम नेता, एक सक्षम लीडर मानते हैं। और यकीनन यदि इसी प्रकार की स्थिति रहती है और इसी प्रकार से ज़मीनी मुद्दों को उठाते हुए और अपने बयानों को कहीं ना कहीं वो क्रियान्वित करते हैं, उन पर काम करते हैं और लगातार वो आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉबी पंवार और गणेश गोदियाल उत्तराखंड के दो ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में बहुत कुछ तय कर सकते हैं। उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए उनका प्रयास यदि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है और जनता का उन्हें यूं ही समर्थन प्राप्त होता रहता है तो एक संभावना जरूर है कि गणेश गोदियाल और बॉबी पंवार के रूप में एक ऐसा नेतृत्व उत्तराखंड को मिले जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को और उत्तराखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर काम हो सकेगा, चाहे वो भू कानून हो, चाहे मूल निवास 1950 हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को जीवित रखना है तो मूल निवास 1950 उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। ये कहना है उन तमाम लोगों का जो कमेंट करके हम तक अपनी बातें पहुँचाते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में जिस प्रकार से भर्तियाँ चल रही हैं, भर्ती में जो घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और उत्तराखंड को एक प्रकार से पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम सकारात्मक लोगों का समर्थन करते हुए उत्तराखंड की दिशा और दशा को इस प्रकार से आगे रखें कि उत्तराखंड में जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, जो उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं और भी अनेक प्रकार से जो उत्तराखंडियों के साथ, उनके हितों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके और उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो एक अपनी अलग विशेषता रखता है, वो उत्तराखंड जीवित रहे और इस देवभूमि को देवभूमि बनाने में हर एक उत्तराखंडी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दे। अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने के ये आखिरी दिन है और ये अगस्त का महीना उत्तराखंड के लिए काफ़ी सुख दुख से भरा रहा। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ी सैण में हुआ। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक सत्र चला। तीसरे दिन विधानसभा के सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा और सत्र के दौरान अनुपूरक बिल पास हुआ, कई विधेयक पास हुए और इसके अलावा आपदा से संबंधित 310 नियम के अंतर्गत जो विपक्ष ने चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया था, सरकार ने उसे खारिज किया। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, विपक्ष के विधायक काफ़ी नाराज़ हुए और कईयों ने इसमें बयान दिए।
उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं कहीं ना कहीं राज्य में साल दर साल बढ़ रही हैं, और इसी के मद्देनज़र उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किए हैं। जिस प्रकार से रुद्रपुर में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में अनेकों महिलाओं ने रुद्रपुर में एसएसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, और उस दौरान वहां पे महिलाओं और पुलिस के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। और जब उत्तराखंड कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला बैरिकेड के ऊपर चढ़ी तो पुलिस ने उन्हें धकेलने का प्रयास किया। इस दौरान एक पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा उन्हें डंडे से और हाथ से धकेलने का कृत्य हुआ, जो वीडियो में भी साफ साफ नज़र आया। उस पर काफ़ी आपत्ति जताई गई और महिलाओं से इस दुर्व्यवहार के कारण पुलिस को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग लगातार पुलिस के इस व्यवहार की निंदा कर रहे हैं, इसे बर्बरतापूर्वक व्यवहार बता रहे हैं। और जिस प्रकार से रुद्रपुर में महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार रहा उस पर कई सारे बयान आ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का हो, चाहे वो उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का हो, चाहे वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा का बयान हो, इन सब ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पुलिस के इस कृत्य को बेहद निंदनीय कहा है। धामी सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, अंकिता भंडारी के हताश निराश माता पिता अभी तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये घटना लगातार घटित हो रही है, अपराधों के रुकने का नाम नहीं है। आईएसबीटी में भी इसी महीने एक नाबालिग के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसमें ड्राइवर, कैशियर और कंडक्टर भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और रुद्रपुर में जो महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया था, रुद्रपुर में एक नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, और इसी कारण से उत्तराखंड में लगातार ये आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये देवभूमि उत्तराखंड की साफ सुथरी छवि पर एक प्रश्न चिन्ह है, और उत्तराखंड में जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर भी लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। क्योंकि जब जब हम कुछ पोस्ट करते हैं, जब जब हम कुछ मुद्दों को उठाते हैं, तो हर तीसरे चौथे कमेंट में यही सुनने को आता है कि सरकार को बदल देना चाहिए और ये सरकार अच्छी नहीं है। हालांकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, यही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वाद विवाद सदैव बना रहता है, और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त करने का अधिकार है। बहुत कुछ विषयों पर चर्चा हुई, बहुत कुछ रह गया होगा। आशा करता हूँ अगली वीडियो में जब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो अपनी बातों को रखने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।